अगर आपको सिंगापुर में ज्यादा लंबे समय तक काम करना है, यानी काफी सालों तक काम करना है, तो आपको एक ऐसी स्किल आनी चाहिए ताकि आपका एम्प्लॉयर आपको छोड़ने का नाम ना ले। यस, कहीं बात है, और अगर आपका एम्प्लॉयर आपको रेडी नहीं है तो आप दूसरी जगह कंपनी में जॉब कर सके। तो आपको एक स्किल आना बहुत जरूरी है। वो कौन कौन सी स्किल्स हैं, मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो को। हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। जैसे कि मैंने आपको थंबनेल से आपको पता लगा कि जॉब अगर आपको लंबे समय तक करनी है सिंगापुर में, तो आपको क्या क्या स्किल आनी चाहिए, कौन सी स्किल आनी चाहिए ताकि आपका एम्प्लॉयर या आपकी कंपनी आपके लिए परमिट इशू कर सके, चाहे वो एस पास हो, एम्प्लॉयमेंट पास हो, चाहे आप वर्क परमिट पर काम कर रहे हो, तो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आपके, तो कोई ऐसा कोई भी एम्प्लॉयर अगर आपको हायर करता है तो आप उसके लिए कोई फायदेमंद होने चाहिए भी। आज आप कंपनी के लिए कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा काम करना है ताकि आपके बिना कंपनी में आप एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो सके। कहने का मतलब, तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वेलकम टू एक्यूरेट इन्फो बार भी, मेरा नाम रवि कुमार है। आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो, और भाई अगर आपने गलती से भी मेरा चैनल देखे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दें। इस चैनल पर वीडियो आती रहती है आपको सिंगापुर से रिलेटेड, और आज इसी टॉपिक पर बात। काफी लोग ये होता है कि सर मेरा वर्क परमिट 2 साल का, उसका रिन्यूअल में प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे एस पास में काम कर रहा हूं, आगे मुझे परमिट इशू होगा या नहीं होगा। तो भाई देखो, सबसे पहले बात बताता हूं, आप सिंगापुर में या किसी भी कंट्री में, मोस्ट प्रोबेबली आप सिंगापुर में आप आ रहे हो, बहुत ही कॉम्पिटेटिव कंट्रीज है ये, और आप यहां ऐसा मत समझो कि आप जो काम कर रहे हो आप ही कर सकते हो, बहुत सारे और बंदे भी हैं जो काम आपका कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने काम में निपुणता होनी चाहिए, यानी आप अपने काम को बहुत अच्छे से करना आना चाहिए ताकि आपके में यूनिक, जैसे बोलते हैं, आप 100% होने चाहिए आप अपने काम में, ताकि आपका एम्प्लॉयर को लगे इस बंदे में कुछ ना कुछ ऐसी चीज है, ऐसी क्वालिटी है जो मेरी कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, तो मैं एक एक चीज बताने वाला हूँ कि अगर जिस इंडस्ट्री में, एक समरी में बताने वाला हूँ कि अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हो तो भाई आप अपनी स्किल को बढ़ाओ, अपनी स्किल को डेवलप करो, और जिस आपकी कंपनी में, देखो हमेशा कोई ना कोई कंपनी में आप दिखता है कि आपको वैकेंसीज हैं, आप उस काम को कर सकते हैं, और कुछ ऐसी नई चीजें होती हैं तो आपको वो सीखनी है ताकि आप अपना वर्क परमिट कंटिन्यू अपनी कंपनी में कर सको और आपको सैलरी भी अपग्रेड हो सके। अब दूसरी बात करता हूँ, अगर आप होटल इंडस्ट्री में है तो क्या आप कर सकते हैं? देखो अगर आप होटल इंडस्ट्री में काम है, आप अच्छा का, अगर आप कुकिंग लाइन में हो तो आप कुक कर सकते हो, और अपने एम्प्लॉयर के साथ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बना के उसके बिजनेस में ग्रोथ कर सकते, ताकि एम्प्लॉयर को लगे कि ये जो मेरा बंदा है काफी हेल्पफुल है मेरी कंपनी के काम के लिए। तो आपको कुछ ऐसी स्किल्स आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल भी उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती है। देखो काम आता है वो एक अलग बात है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, ये चीजें तो है आपको भी, क्योंकि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, चाहे कोई सी भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, जहां आप काम कर रहे हो, अगर आपका जो प्यार मोहब्बत, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आपका जो एटीट्यूड है, वो अपने एम्प्लॉयर, अपने कलीग्स के साथ है, तो आपकी कंपनी में आपकी बहुत वैल्यू होगी। तो उस वैल्यू अगर आपने क्रिएट कर रखी है तो आपके लिए आगे फ्यूचर में काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि सिंगापुर में अगर एम्प्लॉयर हायर होता है रेडी करने को तो आपका 99% सक्सेस वीजा रेट होता है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट पास की, जो आईटीज वगैरह में काम करते हैं। देखो आईटी एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। अगर आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हो तो भाई आईटी में आप अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। आज की जो करंट सिचुएशंस में मैंने देखा, काफ़ी लोग ऐसा काम करते हैं, बहुत अपग्रेड करते रहते हैं अपने आप को। तो भाई अगर आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हो तो आईटी की फील्ड में भी आप अपने ग्रोथ को सिंगापुर में काम अपने लाइफ बना सकते हो। और हाँ एक बात है, किसी ने पूछा सिंगापुर की जो हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं क्या वो वर्ल्ड वाइड, देखो सिंगापुर एक बहुत ही मल्टी
कल्चरल सोसाइटी, अगर आप यहाँ पर काम करते हो आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में जाने खुल जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बहुत, और यूएस, कनाडा, सभी कंट्री में आपका जाने का रास्ता खुल जाता है। अगर आप स्टडी वीज़ा पर हैं तो यहाँ से भी आप अदर कंट्री मूव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आईटी में हैं तो मूव कर सकते हैं। होटल इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे इमिग्रेशन वाले यहाँ बैठे हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपको मूव करने। तो सिंगापुर में आप काम कर रहे हो या पढ़ाई करो, काफ़ी बेनिफिशियल है। आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ, किसी ने पूछा था कि सर स्टडी में जो हम पढ़ाई कर रहे हैं क्या सिंगापुर में बेनिफिट है या नहीं, उसको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज के लिए बताना यही था कि भाई आप सिंगापुर में अगर काम करो तो अपनी चीज को, अपने जो भी आपकी फील्ड है उसमें थोड़ा सा आप अपने आप को इम्प्रूव करो और अपनी कंपनी के प्रति बहुत दिल लगा के काम करो ताकि आपका एम्प्लॉयर आपके लिए फ्यूचर में जॉब और क्रिएट कर सके। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।